बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखल, माल और वसाइल के होते हुए जरूरत के मुताबिक ना खर्च करना बुखल है। और बखील वो शख्स होता है जो माल को जमा करता जाता है मगर खर्च नहीं करता। बुखल बहुत बुरी अखलाकी बुराई है क्योंकि इससे और बुराइयां जन्म लेती हैं। बुगज, अनाद, बददियानती और तंग नजरी जैसी बुराइयां इसी वजह से पैदा होती हैं। और खासकर जो हकूक उसके जिम्मे वाजिबुल अदा होते हैं वो इन्हें भी अदा नहीं करता और दौलत को जमा रखता है। क्यामत के रोज वही दौलत उसके लिए अजाब का बाइस बनेगी क्योंकि अरशादे बारी ताला है कि जो लोग बुखल करते हैं उस चीज से जो अल्लाह ने इन्हें दी है हरगिज वो अपने लिए इसे अच्छा ना समझे। अन करीब इनके गले में तोक पहनाया जाएगा उस चीज से जो उन्होंने बुखल के जरिए जमा की होगी। बखील अल्लाह के नजदीक बदतरीन इंसान है। कारून बड़ा मालदार था लेकिन बखील होने की वजह से जमीन में दमसा दिया गया और उसका सारा माल तबाहो बर्बाद हो गया। बखील इंसान तरह तरह की मुसीबतों में फंसा रहता है। सब कुछ होने के बावजूद उसे अच्छा खाना पीना मुजस्सर नहीं आता, इसलिए हर कोई इसे जलीलो ख्वार जानता है। लिहाजा अल्लाह ताला हर किसी को बुखल से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बुखल की मजम्मत के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इरशादात हस्बे ज़ैल हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, बखील और सदका करने वाले की मिसाल उन दो आदमियों की सी है जिनके जिस्म पर लोहे की जरहे हैं, इनके हाथ छातियों और गर्दनों के साथ बांध दिए गए। बस सदका करने वाला जब सदका करता है तो उसके हाथ खुल जाते हैं और बखील जब सदका का अरादा करता है तो जरा सुकड़ जाती है और इसके हलके अपनी अपनी जगह तंग हो जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, सखी शख्स अल्लाह ताला से करीब, जन्नत से करीब और लोगों के करीब और दोजख से दूर है, जबकि बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर और बंदगाने खुदा से दूर है और दोजख से करीब है, और सखी जाहल अल्लाह को आबद बखील से ज्यादा महबूब है। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में मक्कार बखील और एहसान जताने वाले दाखिल ना होंगे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, दो खसलतें एक मर्द मोमन में जमा नहीं होती, बुखल और बदखुल्की। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें लोगों में से बदतर आदमी का पता ना दूं? लोगों ने अर्ज किया, बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे अल्लाह के नाम पर कुछ मांगा जाए और वो उसको ना दे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि उस उम्मत के अगले लोग यकीन और जहद की वजह से निजात पा जाएंगे और इस उम्मत के पिछले लोग बुखल और हिरस की वजह से हलाक होंगे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदे सुबह करते हैं तो दो फरिश्ते नाजिल होते हैं, इनमें से एक कहता है कि ऐ अल्लाह अपनी राह में खर्च करने वाले को उसका अजर अता फरमा, और दूसरा कहता है कि ऐ अल्लाह बखील के माल को तलब फरमा दे। अल्लाहु अकबर।